बहुत सुंदर प्रश्न किया, ईश्वर है पर दिखाई क्यों नहीं देता। वास्तव में ये सबके मन का प्रश्न है। हर जीवात्मा जो परमात्मा से जुड़ा है, कहीं ना कहीं उसके मन में एक अभिलाषा तो रहती है कि जिन भगवान का गुणान बात करते हैं, जिनके मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, वो आज तक साक्षात दिखाई क्यों नहीं दिए। ईश्वर है तो सुना हर जगह है, पर वो दिखाई क्यों नहीं देता है। ये प्रश्न अपने आप में ही सर्वोत्तम प्रश्न है। थोड़ा सा दृष्टांत के भाव से मैं समझाऊंगा, आशा है आपको समझ में आएगा। देखिए, परमात्मा के दो स्वरूप है, पहला निर्गुण निराकार और दूसरा सगुण और साकार। आर्य समाज में आप जाएंगे ना तो आर्य समाज वाले मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि परमात्मा जो है वो निर्गुण और निराकार है, सगुण साकार नहीं है। लेकिन हम जो सनातन धर्मी हैं, जो हम राम और कृष्ण को मानने वाले हैं, हम उनकी बात को झुठला देते हैं और हम कहते हैं तुम कैसे कह सकते हो कि परमात्मा निर्गुण और निराकार है। अरे मेरा परमात्मा तो सगुण साकार है, और इसका उदाहरण है यशोदा और कृष्ण, उसका उदाहरण है कौशल्या और राम, उसका उदाहरण है अनंत हनुमान। भगवान आए और आकर के माँ पिता जो उनके बने उनको वात्सल्य भाव दिया, जगत में आकर के माँ भी बनाए पिता भी बनाए, तो वो परमात्मा फिर निर्गुण निराकार जो है वो सगुण साकार हुआ कैसे। तो दोनों ही प्रश्न उठते हैं कि परमात्मा है या नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, पहली बात परमात्मा निर्गुण और निराकार है, और दूसरी बात परमात्मा सगुण और साकार है, और सगुण और साकार भगवान बनता कैसे है निर्गुण निराकार से, ये इस पर चर्चा करने का विषय है। देखिए, मान लीजिए अभी श्याम बाबा है या ठाकुर जी है, एक प्रतिमा के रूप में है, मानो तो पत्थर है और मानो भगवान के दर्शन कर लेते हैं हम, है ना। भाव नहीं तो मंदिर में भी ना दिखते भगवान, और भाव से देखो तो पत्थर में भी दिख जाते मेरे श्याम, पत्थर में भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अब देखिए, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो सगुण होकर दिखाई कैसे देगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम सभी के घर में नल है कि नहीं है, सभी के घर में नल है, और जब नल को चलाएंगे उसमें से एक लोटा जल भरिए, नल को चलाने के बाद में नल को चला के एक लोटा जल भरिएगा और उस जल को पकड़ने का प्रयास करिएगा। हाउ वी मे बी पॉसिबल, क्या ये संभव हो सकता है कि पानी को हाथ में पकड़ और पकड़ में आ जाए। इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है कि जल को हाथ में पकड़े और वो पकड़ में आ जाए। लेकिन तभी एक विद्वान महापुरुष आए और उन्होंने कहा जल आपके हाथ में पकड़ में आएगा। तो सामने वाला व्यक्ति बोला वो कैसे आएगा, तो बोले आपके घर में फ्रीजर है, बोले बिल्कुल है, बोले इस लोटे को ले जाकर फ्रीजर में रख दो, टेम्परेचर हाई कर दो, 5 मिनट के बाद में जिस लोटे में जल भरा हुआ था जिसको पकड़ में नहीं आ रहा था, उस जल को बर्फ में परिवर्तित कर दिया किसने, फ्रीजर ने, और अब वो बर्फ का टुकड़ा बन गया, तो वो हाथ में पकड़ में आ गया। कहने का भाव है कि परमात्मा को जब तक इन बाहर की आंखों से देखोगे तब तक परमात्मा जल बिंदु है, पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन भावना की बोतल में भगवान को बंद करके और हृदय रूपी फ्रीजर में भगवान को रख लोगे, उस दिन भगवान तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा सदा सदा के लिए आकर के। दूसरा उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आप कहते हैं भगवान है पर दिखाई नहीं देता। सुनिए, वर्षा होती है, वर्षा होती है ना, तो जल की बूंदें आती हैं, लेकिन जल की बूंदों को पकड़ेगी तो क्या पकड़ में आएंगी, नहीं आएंगी। लेकिन कभी कभी परमात्मा की कृपा से ओलों की वृष्टि हो जाती है, ओलों को पकड़ोगे तो ओले पकड़ में आएंगे। कहने का भाव है बाहर की दुनिया में बाहर की दृष्टि से भगवान को देख रहे तो भगवान नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन भगवान की कृपा से जब अंतर्मुखी होकर जिस दिन भगवान को पाएंगे भावना की बोतल में, हृदय रूपी फ्रीजर में, तो वो भगवान ओला वृष्टि के रूप में प्रकट हो जाएंगे। अब हम ना माने फिर भी तो समझाने के लिए और भी रास्ते होते हैं। विवेकानंद जी बोले कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस से, गुरु जी भगवान है कहते रहते हैं पर दिखाई आज तक नहीं देता, क्या चक्कर है। तो रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद जी को ले गए और ले जाकर के समुद्र में उनका सिर लेकर डुबो दिया अंदर। अब विवेकानंद जी छटपटाने लगे, कहने लगे गुरुदेव बाहर निकालो प्राण निकल जाएंगे। तो गुरु जी बोले पागल, तेरे को यही इतने दिन से समझा रहा हूं तू समझ नहीं रहा है। तो विवेकानंद जी बोले को समझ में नहीं आया। रामकृष्ण जी बोले जैसे तू इस जल के अंदर डूबने पर तड़प रहा है, ऐसी स्थिति जिस दिन तेरी परमात्मा के प्रति हो जाएगी, समझ लेना भगवान निर्गुण निराकार भी सगुण साकार हो जाएंगे, वो सगुण साकार बन के आ जाएंगे। एक और उदाहरण दिया, भगवान है पर दिखाई नहीं देते, क्यों नहीं देते। देखो भगवान है हमारे बीच में, दिखाई इसलिए नहीं देते क्योंकि हमने उनको भी अंतर्दृष्टि से ढूंढा नहीं है, बाहर की दृष्टि से ढूंढ रहे हैं। एक व्यक्ति गया एक महात्मा के पास, मैं बोला महाराज जी भगवान है आप कहते रहते हो, दिखाई आज तक नहीं दिए। संत के पीछे ही पड़ गया, संत जी कहे क्या करें क्या ना करें, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो संत जी ने पास में बुलाया और एक तेज का झापड़ मारा,
और जब तेज का झापड़ लगा उस व्यक्ति को तो वो तो रोने भी लगा और कहने लगा महाराज जी आपने इतना तेज मारा है कि गाल पे पूरा छप गया, बड़ा दर्द हो रहा है। तो महाराज जी कहने लगे जल्दी दिखा दर्द कहाँ हो रहा है, दिखा तो दर्द कहाँ हो रहा है। तो वो व्यक्ति बोला ये भी कोई बात होती है कि दर्द कोई दिखाने की चीज है क्या कि कहीं दर्द हो रहा है। तो बाबा जी बोले जैसे दर्द तुझे अनुभव हो रहा है दर्द का पर दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे परमात्मा है पूरे सृष्टि में पर तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जिस दिन तू अंतर्दृष्टि से भगवान को पाने के लिए अपने अंतरात्मा से जुड़ जाएगा उसी दिन भगवान निर्गुण निराकार में सगुण साकार हो जाएंगे। अगली बात, अब भगवान है दिखाई नहीं दे रहा, पता कैसे नहीं दिखाई दे रहा है, आपके पास फोर व्हीलर कार होगी, सबके पास है। अच्छा उसमें जो पहिया है ना, पहियों से ही तो गाड़ी टिकी हुई है, लेकिन ना ना पहियों पे भी नहीं टिकी है, उस उन पहियों के अंदर टायर में जो हवा भरी हुई है उनसे ही पूरी गाड़ी चलती है मेंटेन होके। तो इसी प्रकार से जैसे जो हवा एक भरी है पर दिखाई नहीं देती और पूरे गाड़ी को मेंटेन किए हुए है, इसी प्रकार से इस शरीर रूपी जो जीवात्मा है इसमें परमात्मा रूपी वायर एयर, परमात्मा रूपी एयर है और जो एयर है यही हम सबको चला रही है। तो अब आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बोलो सच्चे दरबार की जय हो, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलो सच्चे भगवान की जय हो।